दोस्तों एडवेंचर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर व्हाट्सएप की पांच ऐसी खुफिया सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो व्हाट्सएप ने हाल फिलहाल ये सेटिंग को लॉन्च किया है, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। दोस्तों यदि आप ये पांचों सेटिंग आप ऑन कर लेते ना तो व्हाट्सएप की दुनिया में जो है ना काफी ज्यादा स्मार्ट तो बन ही सकते हैं और व्हाट्सएप को यूज करने का बिल्कुल तरीका बदल देंगे। और जो भी सेटिंग बताने वाला दोस्तों, ये सेटिंग आपको कोई भी आज तक नहीं बताया होगा, ये बिल्कुल लेटेस्ट और बिल्कुल नया सेटिंग है। दोस्तों यदि जानना चाहते कि कौन कौन सेटिंग है व्हाट्सएप के अंदर जो आपको नहीं पता, तो वीडियो को देखते रहे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम सितारे और आप देख रहे हो हटोगा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों देख सकते रहे मेरा मोबाइल फोन। चल मैं आपको बता देता कि व्हाट्सएप के अंदर पावरफुल सेटिंग कौन सी है। यदि दोस्तों जानना चाहते ना तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। कम से कम जो है ना इस वीडियो पे जो है ना लाइक का टारगेट है ना 15,000, बस आपको इतना कर देना होगा। चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, पे बैल को दबा दीजिएगा, ऑल बटन को दबा दीजिएगा और यहाँ पे आपको शेयर करें और कमेंट में लिखिए 5 व्हाट्सएप सेटिंग। जी हाँ, तो बस ये छोटी सी काम करने के बाद सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा, क्योंकि आपको अपडेट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं अपडेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे अपडेट करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको व्हाट्सएप को ओपन करना होगा। दोस्तों जो भी अपडेट आपको करना होगा सभी आपको आप चेक करेंगे ना प्ले स्टोर में तो आपको अपडेट मिल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक सेटिंग में बता देता हूँ। पहला सेटिंग 3 डॉट में जाएँ और 3 डॉट में जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर देख रहे अकाउंट, और यहाँ पर आपको प्राइवेसी में जाना होगा और यहाँ पर जो देख रहे ना आपको नीचे जाएंगे ना ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आपके नंबर जो है ना कोई भी बंदा ग्रुप में ऐड कर लेता है बिना परमिशन का, जी हाँ, और आपको एडिटेड भी होता है, बार बार मैसेज आने लगता है। लेकिन आपको क्या करना होगा, नोबडी क्लिक करना होगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपके बिना परमिशन के बिना कोई भी ऐड नहीं करेगा आपके ग्रुप के अंदर, सिंपल यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना होगा। तो बस ये आपका काम हो जाएगा और आपके नंबर को कोई भी ग्रुप में सेव नहीं करेगा। तो ये रहा पहला सेटिंग। चलिए मैं आपको बता देता दूसरा सेटिंग के बारे में। तो सबसे पहले प्रोफाइल को क्लिक करना होगा, आई बटन को क्लिक करना होगा और यहाँ पर मिल जाएगा मीडिया विजिबिलिटी, इसको क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये बाय डिफॉल्ट सेव होगा ना, तो आपको नो करना होगा। यदि आप नो कर देते ना तो जो भी आपका फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट आएगा ना तो आपके गैलरी के अंदर आपके मेमोरी के अंदर सेव नहीं होगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो हैंगिंग प्रॉब्लम है ना मोबाइल के अंदर, स्टोरेज प्रॉब्लम, वो कभी नहीं होगा। और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना होगा। तो ये रहा दूसरा सेटिंग जो बहुत ही पावरफुल है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ तीसरा सेटिंग के बारे में जो काफ़ी ऑसम है। तो चलिए मैं आपको तीसरा सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। यदि आप स्टेटस वगैरह लगाते हैं ना और यदि आपका स्टेटस आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है, आप जाते हैं शेयर करना, यहीं से व्हाट्सएप के अंदर ही शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फॉरवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा और आप यहाँ से शेयर वगैरह कर सकते हैं। जी हाँ, उसके बाद दोस्तों इसके अंदर और भी फीचर आ गया है आपके व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर। यदि आपको जानना चाहते हैं कि वो फीचर कौन सी है तो मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया, वो जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये रहा तीसरा सेटिंग। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपको चौथा सेटिंग के बारे में जो बहुत ही ऑसम है। तो चौथा सेटिंग जानने के लिए आपको 3 डॉट में जाना होगा, सेटिंग में जाना होगा और यहाँ पे आपको चैट ऑप्शन मिल जाएगा। जाने के बाद दोस्तों यदि पहले क्या होता था कि यहाँ पे इंग्लिश का सपोर्ट सिर्फ था, हिंदी का, मराठी का, बंगाली का, तेलुगु का, यहाँ पे कोई भी भाषा का सपोर्ट नहीं था। लेकिन दोस्तों फाइनली दोस्तों व्हाट्सअप के अंदर सभी भाषा का यहाँ पर सपोर्ट आ चुका है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में जो है ना पहले हिंदी था, उसके और भी भाषा यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, जो आप यहाँ पर कोई भी भाषा में व्हाट्सअप को चला सकते हैं, जी हाँ, यहाँ पर सिलेक्ट करके। उसके बाद दोस्तों यदि आप यहाँ पर अपना फोटो लगाना था जैसे चैट के बैकग्राउंड के अंदर, क्योंकि आप चैट करते हैं, उसमें और भी डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो यहां से आपको फोटो वगैरह मिल जाएगा जिससे कि आप लगा सकते हैं और यहां पे चैट को बैकअप भी कर सकते हैं। जी हां, तो ये सेटिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं लास्ट और काफ़ी पावरफुल सेटिंग के बारे में, और ये सेटिंग शायद आपको नहीं पता। तो नोटिफिकेशन में जाएंगे, नोटिफिकेशन में जाने के बाद दोस्तों यदि आप हर कॉन्टैक्ट के अंदर अलग अलग नोटिफिकेशन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर रिंगटोन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नोटिफिकेशन किसका आया है। तो ये पांच सेटिंग जो है ना काफी पावरफुल है, जो आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आएगा। अगर दोस्तों पसंद आती तो इस वीडियो पे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए ध्यान रखिए दोस्तों, टेक केयर, गुड बाय।